हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर विद्युत विभाग की लापरवाही ने ली वाल्मीकि युवक की जान। विभिन्न मांगों को लेकर 30 घंटे से धरने पर बैठा है परिवार। बाड़मेर में नगर परिषद और विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से सोमवार देर रात एक युवक की जान चली गई। मामले में परिवार ने कोतवाली थाने में नगर परिषद और विद्युत विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं परिजन और समाज के लोग आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर करीब 30 घंटे से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बाड़मेर में विद्युत विभाग और नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सोमवार रात शहर के अहिंसा सर्कल स्थित एक होटल में खाना लेकर घर जा रहा युवक करण की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद समाज और परिजनों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश है। परिजनों ने विद्युत विभाग और नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर करीब 30 घंटे से मोर्चरी के बाहर परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बाड़मेर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान एवं वृत्त अधिकारी आनंद सिंह ने धरने पर बैठे परिजनों और समाज के लोगों से समझाइश की, लेकिन वो विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मुआवजे की मांग। मृतक युवक के भाई ने बताया कि मेरा भाई राजेश कल रात होटल से खाना लेकर लौट रहा था, तभी अहिंसा सर्कल के पास डिवाइडर पर लगी रेलिंग में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में वो आ गया और उसकी मौत हो गई। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले और नगर परिषद और डिस्कॉम के लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का हादसा फिर किसी के साथ ना हो। वहीं राजेश अपने परिवार का गुजर बसर करता था, ऐसे में परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और उसकी बेटी को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। DYSP आनंद शर्मा ने बताया कि सोमवार रात को करंट लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी। युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने विद्युत विभाग और नगर परिषद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिजनों और समाज के लोगों से शव उठाने को लेकर समझाइश की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।